नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन करेक्शन के बारे में। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार राशन कार्ड में जो है अब आप लोग घर बैठे यहाँ पे ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। नया जो लिंक है वो आप लोग यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आप लोग को किस तरीके से सुधार करना है ये मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर जानकारी दे दिया था। लेकिन दोस्तों वहां पे जो है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, साथ में किस तरीके से सुधार होगा, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आप हमें जानकारी दीजिए। हालांकि मैंने आप लोग को प्रॉपर वीडियो बनाकर पहले जानकारी दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग को यहाँ पे वीडियो में बता रखा है कि किस तरीके से आप लोग को सुधार करना है। दोस्तों अगर आप लोग का पहले से राशन कार्ड बना हुआ है और उसमें जो है किसी सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं या फिर नाम हटाना चाहते हैं या फिर जो है आप उसमें जो है कुछ भी सुधार करना चाहते हैं, कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो अब जो है आप लोग घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग का जो पोर्टल है उसमें लिंक यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसमें जो है क्या क्या आप लोग का डॉक्यूमेंट लगने वाला है। मैं ऑफिशियली यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सरकार की तरफ से आप लोग का किस तरीके से यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि आप लोग को सुधार करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दूं कि यहाँ पे जो आप लोग का राशन कार्ड में आप सुधार कीजिएगा उसके लिए जो आप लोग यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें जो है आपको उसी नाम से यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना है जिनके नाम से यहाँ पे राशन कार्ड है। मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड में 5 सदस्य हैं तो 5ों में से किसी के भी नाम से जो है आप लोग वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिनका नाम जोड़ना है उनके नाम से आप लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को इस बात का यहां पे ध्यान देना है। सेकंड दोस्तों यहां पे जो है अगर आप लोग को राशन कार्ड में सुधार करना है तो आप लोग का जो राशन कार्ड के मुखिया होंगे यानी कि जो महिला वरिष्ठ महिला होती हैं उनको यहां पे जो राशन कार्ड का मुखिया बनाया जाता है तो उनका जो कुछ डिटेल आप लोग का मांगा जाएगा तो उनका डिटेल भी आप लोग को यहां पे रखना होगा। जैसे कि उनका यहां पे जो आधार नंबर हो गया, उनका नाम हो गया, उनके पति का नाम हो गया, साथ में उनका जो अकाउंट नंबर है, ये सब आप लोग वहां पे डिटेल रखना होगा तभी आप लोग यहां पे जो सुधार के लिए आवेदन कर पाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग को ये सारा डिटेल मिल जाता है, ये सब कुछ आपके पास उपलब्ध है, फिर आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, क्योंकि यहां पे जो कुछ डॉक्यूमेंट भी आप लोग को अपलोड करना होगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना होगा वो मैं आप लोग को यहां पे बता देता हूं। तो जैसा कि आप देख पाओ दोस्तों मैंने जो यहाँ पे ईपीडीएस का जो वेबसाइट है जहां से कि आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई होता है वो वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा और यहाँ पे जो है आप लोग को प्रपत्र ख का एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो ये जो है आप लोग का करेक्शन का जो यहाँ पे यूजर मैनुअल दिया गया कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको करेक्शन करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे नीचे चले आना है। सबसे नीचे आने के बाद इसी में जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे जो है अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग का पूरा जानकारी दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे लगाना होगा। तो मैं जो इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों आप लोग का बताया कि स्कैन कॉपी ऑफ आधार, यानी कि यहाँ पे जो है आधार कार्ड का जो स्कैन कॉपी है वो आप लोग को यहाँ पे लगाना होगा। और यहाँ पे जो आप लोग का आधार का स्कैन कॉपी लगेगा दोस्तों वो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है आप लोग को जिनका भी नाम यहाँ पे जोड़ रहे हैं उनका यहाँ पे लगाना है, या फिर अगर आप लोग यहाँ पे सुधार कर रहे हैं तो जो आपके यहाँ पे मुखिया होंगे यानी कि जो आपके यहाँ पे राशन कार्ड में मुखिया महिला होंगी उनका यहाँ पे जो आधार कार्ड होगा उसका फोटोकॉपी आप लोग को लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताया गया दोस्तों कि बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिस पर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड रहता है, ये सब आप लोग को वहां पे लगाना होगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो आप लोग का बैंक अकाउंट मांगा जा रहा है ये जो है आप लोग का परिवार के जो मुखिया होंगे यानी कि जिन भी महिला को वहां पे मुखिया बनाया गया होगा उनका यहाँ पे जो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना है, यानी कि उनका जो यहाँ पे बैंक पासबुक है उसको आप लोग वहां पे लगाना है। फिर आप लोग का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग नाम जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो मुखिया का आप लोग का एक जो है आवासीय लगेगा और दूसरा जिनका नाम जोड़ रहे हैं उनका आप लोग का लगेगा। अगर आप सिर्फ सुधार कर रहे हैं तो ऐसे में जो मुखिया होंगे उनका यहाँ पे जो है आप लोग का लगने वाला है। फिर आप लोग का यहाँ पे संपूर्ण जो आप लोग का परिवार होगा यानी कि सभी के एक साथ में जो है आप लोग का एक फोटो यहाँ पे लगाना होगा। फिर आप लोग का यहाँ पे जो हस्ताक्षर यानी कि जो सिग्नेचर होगा वो आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है, ये भी आप लोग का जो परिवार के मुखिया होंगे उनका जो है आप लोग यहाँ पे लगाना है। परिवार का जो मुखिया रहता है दोस्तों उनका राशन कार्ड में जो है नाम सबसे ऊपर रहता है तो उनका जो है नाम आप देख लीजिएगा कि जिनका भी नाम आप लोग का सबसे ऊपर है उन्हीं का यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना है। फिर अगर विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, नहीं तो इसको आप लोग को टिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ आप लोग को एक ही व्यक्ति कहाँ पे लगाना होगा यानी कि आप लोग के जो परिवार के मुखिया होंगे उनका यहाँ पे लगाना होगा, लेकिन रेसिडेंशियल यानी कि जो आवासीय होगा ये सभी का आप लोग का लगाना होगा। तो इस तरीके से ये सभी जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग कहाँ पे लगाना है और ज्यादा कुछ आप लोग का डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। तो मैंने आप लोग को प्रॉपर बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है और किस तरीके से आप लोग कहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए कि सभी में जो
आप लोग का यहाँ पे रेड डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये सभी लगाना आप लोग का मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो ऐसे में आप लोग का जो आवेदन है उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है। मैंने आप लोग को प्रॉपर बता दिया कि क्या आप लोग को ध्यान रखना है, किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे सुधार करना है, मैंने सब कुछ आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मित्रों तक के लिए धन्यवाद।